जबलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 3 देसी पिस्टल, 3 कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र का पुराना बदमाश हाकम सिंह, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाकम सिंह अपने घर आया है। बेलखेड़ा थाना पुलिस ने हाकम सिंह के घर पर छापा मारकर हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उससे 2 देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए। पुलिस के द्वारा हाकम सिंह से पूछताछ की गई, तब उसने अपने 2 साथियों दौलत सिंह और पवन दुबे के संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दौलत सिंह से 2 कट्टे और 2 कारतूस और पवन दुबे से 1 कट्टा, 1 पिस्टल, 2 कारतूस बरामद किए हैं। SP निमिष अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हथियार की खरीद फरोख के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही इस संबंध में कुछ और गिरफ्तारी की जाएगी। मैं एक व्यक्ति काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, हकम सिंह, उसको भी क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ लिया गया है और उसकी निशानदेही पे कुल 3 लोगों को हमने जो है अरेस्ट किया है। इन 3 लोगों से हमको 6 नग जो है अवैध कंट्री मेड हथियार मिले हैं और इसमें आगे जो और लिंक्स जो मिली है उससे पूछताछ चल रही है। ये हमें आशंका थी कि जो है ये जो अवैध हथियारे हैं इनका इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनाव में हो सकता है, इसी के चलते जो है क्राइम ब्रांच द्वारा ये पूरी धरपकड़ की जा रही थी और इसी के चलते हमें सफलता मिली है। ये दमोह क्षेत्र से आना अभी पता चला है, उसमें आगे जो और लिंक्स हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। वो आगे की जो लिंक्स हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।